उनसे कुछ खास हो नहीं पाया था। ऐसा नहीं है कि वे कॉम्पिटेंट नहीं या उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन तुलसीदास जी का कथन हानि लाभ जीवन मरण जस उपजस विधिहात उन पर पूर्णता लागू था। और क्योंकि सामाजिक परिवेश में वे सफल नहीं थे, इसलिए उनकी कोई खास सामाजिक पोजीशन भी नहीं थी। आर्थिक स्थिति ठीक थी, इसलिए लोग दुआ सलाम कर लेते थे और इनसे संबंध भी जोड़े रखते थे। आर्थिक स्थिति इसलिए ठीक थी क्योंकि इनके पिता कामता प्रसाद श्रीवास्तव बड़े जमींदार थे। उन्होंने अपनी मेहनत से काफ़ी कमाया और जमा किया। लोग उन पर जान छिड़कते थे। लोग इसलिए जान छिड़कते थे क्योंकि इन्होंने अपनी जमींदारी में कभी किसानों गांव वालों पर औरों की तरह जुल्म नहीं किया था। सबके साथ प्यार से व्यवहार किया और जहां जरूरत पड़ी लोगों की मदद की। हालांकि यही इनकी परेशानी भी बन गई क्योंकि जिसने 1920 में 50 रुपये उधार लिए, उसने वादा करके कभी वापस ही नहीं किए। कामत प्रसाद को उसकी वादा खिलाफी पर गुस्सा आ गया। उन्होंने उस पर मुकदमा कर दिया। मुकदमा चला तो चलता गया, तारीख पे तारीख पड़ती गई। 50 रुपये के मूल पर मुकदमे में खर्च हो गए 100 रुपये, लेकिन फैसला तो दूर दूर तक नदारद। और ऐसे कम से कम 100 मुकदमे तो उनके अदालत में चल ही रहे थे। कामता की औलाद एक ही थी, ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव। ओंकार को वे वकील बनाना चाहते थे। अंग्रेजों का जमाना था और कामता से अंग्रेज बहादुर के अच्छे संबंध थे। उस जमाने में हाई स्कूल पास लोगों को सरकार वकील मुकर्रर कर देती थी, लेकिन ओंकार हाई स्कूल में 3 बार फेल हो चुके थे और 4थी बार भी पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी। मज़ा ये कि ये अपने जिस दोस्त को जो विषय पढ़ा दें वो पास हो जाए और खुद उसी में फेल। कामता को अपने बुढ़ापे और ओंकार की नाकामियों से आगे की नाव डगमगाती दिखी। कायस्थ की औलाद, जमींदार का खानदान, वकालत ना सही तो भी कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो लोगों की नज़रों में इज्जत रख ले। तमाम बातें सोची गई। आखिर में फैसला हुआ कि कलकत्ता में एक कागज़ बनाने वाली कंपनी है, बंगाल पेपर मिल्स, जो इस इलाके में अपने लिए एक एजेंसी की तलाश में है। कामता ने झांसी शहर के बीचों बीच मानिक चौक में 3 दुकानें खरीदी और ओंकार के नाम पर इस कंपनी की एक एजेंसी खुलवा दी। शुरू शुरू में तो सब ठीक चला, फिर मुनाफे की जगह घाटा होने लगा और लगातार होने और बढ़ने लगा। कंपनी बंद करनी पड़ी। फिर एक अहाता ले लिया गया जिसमें 10 दुकानें निकाली गई, जिन्हें किराए पर उठा दिया गया। किराएदार भीख मांगते हुए आते और कुछ महीनों बाद मालिक जैसा रौब दिखाते। महंगाई बढ़ती तो किराए से ज़्यादा खर्च दुकानों की साफ सफाई, पुताई, मरम्मत में लगने लगा। जो रही सही कसर थी वो 1949 के बाद वाले स्वराज्य ने पूरी कर दी। सरकार रेंट कंट्रोल एक्ट ले आई जो पूरी तरह से किराएदारी के ही तरफ था। करण फुल काट काटने लगा। नौबत यह आई कि अहाते समय दुकानें आने पौने बेच डाली गई। कामता बूढ़े भी हो चले थे और बीमार भी रहते थे। गांव वाले मालिकों की रोजाना की निगरानी न रख पाने से इत्मीनान में भी थे। कभी कहते खड़ी फसल जानवर खा गए, कभी ये कि गल्ला गाड़ियों में भरकर ला रहे थे कि रास्ते में कबूतरा लुटेरे लूट ले गए, कभी ये कि बैल मर गया नया लेना पड़ेगा, कभी कुछ कभी कुछ। बहरहाल जमींदारी जिससे कभी घर चलता था अब पैर का कांटा बन गई। लड़का नकारा हो, आमदनी की जगह खर्चे ही खर्चे हो, उम्र साथ छोड़ रही हो तो रात को क्या, आदमी को दिन में भी अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कामता ये नहीं समझते कि जो अंधेरा उन्हें उद्वेलित कर रहा है वह परिवार में औरों को भी वही कर रहा है। और अगर इससे वे विचलित होकर दीवानगी की हदों तक परेशान हो जाएंगे तो वे घर में सबको और भी परेशान कर देंगे। परिवार का चैन भंग हो जाएगा। कलह सुबह होते ही शुरू हो जाती थी। बाप अपने इकलौते बेटे को जिन गालियों और बद्दुआओं से नवाजते थे, वह अगर कोई दुश्मन भी सुन ले तो अपने कान बंद कर ले। ओंकार सुन लेते थे। बाप को इन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, सुनते जाते थे और अपने सफ़ेद कुर्ते पजामे को पहन छड़ी उठाकर बाहर घूमने निकल जाते थे। सुबह शाम घूमना ही था जो उन्हें घर की घुटन और गालियों से ज़रा देर को सही लेकिन दूर रखता था। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि सुबह घूमने निकले और 2 दिन तक वापस ही ना आए। ढुटाई पड़ी। 2 दिन बाद वापस आए तो पता चला कि ग्वालियर चले गए थे। ग्वालियर 1.5 घंटे का तो सफ़र था झांसी से। वापस आए तो फिर वही गाली गलौज। स्थितियां जिनके मनानुसार होती हैं या जो स्थितियों से समझौता करके जीते हैं, वे स्थितियों से समझौता ना करने वालों की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और स्थितियों में समझौता केवल वे ही नहीं कर सकते जिनमें भावनाएं और संवेदनाएं औसत से कहीं अधिक और कुशाग्र होती हैं। इसलिए वैसे लोगों में बर्दाश्त कम और बगावत ज़्यादा होती है। ओंकार प्रसाद की बगावत उनके अपने ही खिलाफ थी। अंतमूर्खी खामोश किस्म की, चुपचाप चुपचाप तो होनी ही थी। अकेले लड़के थे और ऐसे बाप के जो बहुत रोबीला, इज्जतदार, तेज तर्रार था, जिसके सामने किसी की बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। ओंकार 6 वर्ष के थे तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ के मरने से क्या तकलीफ हुई, क्या मन पे गुजरी, क्या दुख हुआ, वो जो कुछ होना था वो तो हुआ, लेकिन क्या हुआ ये समझ में ही नहीं आया। समझ में आने वाली उम्र ही नहीं थी। अपनी बात कोई था ही नहीं जिससे बांट पाते। चुप रहे। 17 साल में इनकी शादी कर दी गई। बीवी मिडिल, उस समय का हाई स्कूल पास थी, काम कर सकती थी, लेकिन जमींदार की बहू थी इसलिए बाहर कैसे जाए। काम करना तो खानदान की तोहिन थी।
वैसे तब पैसे की जरूरत भी नहीं थी। वे दिन ओंकार के लिए सबसे सुखद दिन थे। बीवी मन की थी, दोनों मियाँ बीवी घूमने जाने लगे, कभी नैनीताल, कभी इलाहाबाद, कभी मुंबई। घूमना घामना बंद हुआ जब बच्चे हो गए। साल दो साल के अंतर तीन लड़के हो गए। लड़कों का बचपन बहुत आराम और मजे में गुजरा, किसी प्रकार की कोई महरूमियत नहीं थी। जब ज्यादातर बच्चे मीलों पैदल खटते थे, तब ये तीनों अपनी अलग अलग साइकिलों से कॉलेज जाते थे। छठी से लगाकर इंटर तक कॉलेज था, जिसमें इंटरवल में कभी समोसा, कभी मटर, कभी शीरे में डूबी मीठी गुजिया, जिसे लौंग कहते हैं, ले ली, जिसका पैसा महीने के आखिर में दे दिया जाता था। पढ़ने के लिए कभी सेकेंड हैंड किताबें नहीं ली गई, हमेशा नई। पढ़ाई में लड़के तेज थे और खेल कूद में भी अव्वल। हाई स्कूल तक आते आते ओंकार को लगने लगा था कि झांसी से इन लड़कों को निकलकर किसी बड़े शहर में पढ़ने जाना चाहिए, वरना इनकी ज़िंदगी घुटकर रह जाएगी। मिडिल फेल चाहे रहे हों, लेकिन ओंकार थे आलिम, हर बात का ज्ञान, दुनिया की जानकारी सब रखते थे। लड़कों की पैदाइश के बाद जब बाहर घूमना घामना बंद हो गया और लड़के बड़े होने लगे, तो ओंकार ने बेतहाशा पढ़ना शुरू किया। लाइब्रेरियों में, अखबारों में किताबें ढूंढ ढूंढ कर न जाने कहां कहां से पता करके इन्होंने ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम, जो कि उस समय बस जरा जरा नाम कर ही रहा था, से खतों किताबत की, लड़कों के भविष्य के बारे में तमाम सोचा, तमाम राय ली, दिल्ली लखनऊ के विद्वानों से सलाह मशवरा किया। और इसी सिलसिले में इनकी सूझबूझ और लियाकत देखकर शहर के तमाम टीचर और बुद्धिजीवी इनके दोस्त बन गए। जो लोग पहले से जमींदार के लड़के होने के कारण इनसे दुआ सलाम कर लेते थे, अब दिल से इन्हें रुक कर प्रणाम बाबूजी करने लगे। बहुत सोच समझ के बाद लड़कों को इन्होंने बीएससी करने भेजा लखनऊ। लखनऊ इसलिए क्योंकि ये बड़ा शहर था, झांसी के पास भी था और वहाँ पढ़ाई के तमाम साधन मौजूद थे। बीएससी के बाद एक गया डॉक्टरी पढ़ने और दो गए इंजीनियरिंग में। अब सवाल था पैसा। रखा हुआ पैसा हमेशा नहीं चलता, और कामता प्रसाद की मृत्यु के बाद जब ओंकार के तीन लड़के झांसी के बाहर पढ़ने निकले और जब उनके खर्चे बढ़ते ही गए, तब घर की हालत खस्ता से खस्तागर होती चली गई। तब ओंकार ने सबसे पहले तो अदालतों के मुकदमे में पैसा जाया करना बंद कर दिया। जो गया सो गया, अब और तो ना जाए, खर्चे बढ़ते ही जाते थे। तिजोरी में रखे सब जेवरात, चांदी की तश्तरियाँ, झालरें, पंखे, पायलें, छाजने सब बिक गए। ओंकार को काम का कोई तजुर्बा था नहीं, इसलिए वो काम ढूंढते भी तो क्या। हाँ, बीवी टीचर बन सकती थी। सो फिर 50 की उम्र में उनके लिए पास के एक स्कूल में बात की गई। पहले तो ओंकार को पत्नी की नौकरी का ख्याल ही नागवार गुजरा, लेकिन वक्त की मार थी। पत्नी ने समझाया कि तनख्वाह पूरी चाहे ना पड़े, आधी तो पड़ेगी, कुछ तो कर सजेगा। स्कूल वालों ने कहा जमाना बदल गया है, हाई स्कूल पास टीचर नहीं हो सकता। फिर किसी तरह ट्रस्टी से सिफारिश करवाई। ट्रस्टी कामता के जान पहचान का था। बोला कामता की बहू और नौकरी, नहीं नहीं, कुछ गलती हो गई तुम लोगों से, लेकिन अगर कामता की बहू थी और उसे नौकरी करनी ही है तो स्कूल में नौकरी देनी भी थी। हेड क्लर्क ओंकार ने सुना तो मुंह पर हाथ रखकर आंखें फाड़ दी। तुम्हें अंदाजा है खानदान का नाम क्या रहेगा? तभी वो बोली, नौकरी ना करो तो तुम्हें अंदाजा भी है कि खानदान रहेगा भी या नहीं। इससे घर का खर्च थोड़ा तो चल सकता है, लेकिन घर खर्च में कुछ मदद तो मिल ही सकती है। मंजिला पास हो जाए तब तक ही तो बात है, फिर दोनों संभाल लेंगे। इतना कहकर बीबी ने दिलासा दिया और वो नौकरी पर लग गई।